సిటీలో 46 రోజుల పాటు నడిచిన నుమాయిష్ ముగింపు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. వేడుకలకు హోం మంత్రి మహమూద్ అలీ, సిపిసివి ఆనంద్ తో పాటు సొసైటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ప్రోత్సాహంతో సొసైటీ సభ్యులు ఎగ్జిబిషన్ ను విజయవంతంగా నిర్వహించారని హోం మంత్రి మహమూద్ అలీ ప్రశంసించారు. ఈ 46 రోజుల నుంచి వచ్చిన ఆదాయం మొత్తం 19 విద్యా సంస్థలు చారిటబుల్ డిస్పెన్సరీల నిర్వహణకు ఉపయోగిస్తారని తెలిపారు. అత్యుత్తమ సేవలను అందించిన పోలీస్ శాఖ పలు స్టాల్స్ యజమానులకు ముగింపు వేడుకల్లో అవార్డులు అందజేశారు. అప్రిషియేట్ करना चाहिए और यहां पर एग्जीबिशन में लोग खाने के लिए भी बहुत आते हैं. यहां पर खास तौर से पिस्ता हाउस की अली में मस्कती ब्रांड है, तो ये लोगों के लिए बहुत से स्टॉल्स रखते हैं. लोग इससे कुछ चलते फिरते एग्जीबिशन देखते हुए, मुझे कल एक शख्स ने फ़ोन किया था. फ़ोन पे एक बात बताया था कि होम मिनिस्टर साहब, एग्जीबिशन तो बहुत अच्छी चल रही है पर पीने का पानी नहीं मिल रहा है. मैं कहा एग्जीबिशन में पैसे देके खरीद के पीने का पानी मिलता है, आपको बांटने का पानी नहीं मिलता. एग्जीबिशन में लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं, सर्विस करने के तो लिए डिपार्टमेंट लोग करते हैं. ऐसा नहीं है कि एग्जीबिशन में पानी भी पिलाते हैं लोग, मगर दुकान आप जो होटलों में बैठते तो वो लोग सर्विस देते हैं. आप खरीद के पानी पीजिए, एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं तो पानी भी खरीद के पीजिए. तो लोगों का ऐसा जहन होता है, हर चीज़ हुकूमत की तरफ से होना चाहिए, फ्री होना चाहिए. तो इसके लिए मैं सभी लोगों का जो यहाँ पर आए हैं, यकीन मैं उनका इस्तकबाल भी करता हूँ. और सभी हमारे सोसाइटी के एग्जीबिशन सोसाइटी के तमाम जो भी मेम्बर्स हैं, अहदेदार हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ. और जो लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर सर्विस दिया, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा.